गुड़िया ले लो गुड़िया, नए नए सुंदर सुंदर गुड़िया। आज बहन के लिए कितना बड़ा दिन है, उसका जन्मदिन है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ समय तक बिता नहीं सकता। हे भगवान, आज के दिन मुझे निराश मत करना, बस आज के दिन मेरी गुड़िया बिक जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुड़िया ले लो गुड़िया, नए नए सुंदर सुंदर गुड़िया। गुड़िया ले लो गुड़िया, गुड़िया ले लो गुड़िया, गुड़िया ले लो गुड़िया, गुड़िया ले लो गुड़िया। ये कौन कुत्ते की तरह भौंक रहा है? कब से आवाजें आ रही है? शांति से चिप्स भी खाने नहीं देते। पहले डांट कर आती हूँ, फिर चिप्स को एंजॉय करूंगी। अरे वाह, इतने सारे टेडी बियर, आपको पसंद आया? पहले तो ये बता, जोर जोर से क्यों चीख रहा था? ये आप क्या बोल रही हो मैम साहब, मैं तो बस गुड़िया बेच रहा था। तेरे बाप का इलाका समझ के रखा है क्या, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था? अरे वाह, गुड़िया तो काफी अच्छी अच्छी है तेरे पास। हाँ मैम साहब, एकदम टॉप क्वालिटी की गुड़िया है मेरे पास। बस बस, ज्यादा फेंक मत। ये अच्छा है और ये भी अच्छा ही है। चल बता, इसका कितना दे रहा है? मैडम ये 200 का है। 200? इतना महंगा? और ये? मैडम ये 300 का है। 300 रुपए? तू गुड़िया बेच रहा है या सोने का चेन? ना भाई ना, इतना ज्यादा तो मैं नहीं दे पाऊंगी। प्लीज मैडम, ऐसा मत बोलिए। ले लीजिए ना मैडम, ले लीजिए, इस गरीब का भला हो जाएगा। प्लीज मैडम ले लीजिए ना। हाँ हाँ, तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो चल, तू मुझे ये 2 गुड़िया 50 रुपए में दे दे। मैडम 50 रुपए तो बहुत ही ज्यादा कम हो गए। अगर आपको मैं 50 रुपए में 2 गुड़िया दे दूं, तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैडम कम से कम 400 दे दीजिए। मैं यहाँ 50 रुपए की बात कर रही हूँ और तू 400 रुपए में पहुँच गया। 50 रुपए से एक भी पैसे ज्यादा नहीं दूंगी। प्लीज मैडम ऐसा मत कीजिए, कम से कम थोड़ा बढ़ा दीजिए। तेरी हैसियत ही होगी 10 रुपए की और तू मुझसे 200 रुपए मांग रहा है? 200 रुपए तो क्या, अब तो मैं तुझे 1 रुपए भी नहीं दूंगी। तेरा गंदा और थर्ड क्लास खिलौना अपने पास रख। आज के इतने दिनों के बाद एक उम्मीद का किरण दिखा था, लेकिन वो भी बुझ गया। अब मेरे खिलौने कौन गए देगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज भी मेरी कोई कमाई नहीं होगी। गुड़िया ले लो गुड़िया। भैया हैप्पी बर्थडे बहन। थैंक यू भैया। बहन तू यहाँ पर क्यों आई? आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था इसलिए आई। आज भी एक भी खिलौना नहीं बिका भैया। नहीं बहन, आज भी नहीं बिका, लेकिन तू चिंता मत कर, आज हमारा खिलौना जरूर बिक जाएगा। नहीं बिकेगा भैया। ऐसा नहीं बोलते। अब मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगी? मुझे अपने जन्मदिन पे केक काटने का बहुत मन था, नया कपड़ा पहनने का भी बहुत मन था। क्या करूं बहन, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। कोई बात नहीं भैया, जन्मदिन के दिन आप मेरे साथ हो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए भैया, आज मैं भी आपके साथ गुड़िया बेचूंगी। हाँ बहन, गुड़िया ले लो गुड़िया। गुड़िया ले लो गुड़िया। गुड़िया ले लो गुड़िया। गुड़िया ले लो गुड़िया। ये सड़क छाप गरीब लोग कहीं भी अपना दुकान खोल के बैठ जाते, मुझे तो इन्हें देखते ही गुस्सा आता है। गुड़िया ले लो गुड़िया। गुड़िया ले लो गुड़िया। दीदी गुड़िया ले लीजिए ना। आंटी गुड़िया ले लीजिए ना। आंटी गुड़िया ले लीजिए ना। डोंट टच मी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, गंदी लड़की। आंटी गुड़िया ले लीजिए ना। गुड़िया? हाँ मैम साहब, गुड़िया ले लीजिए ना, एकदम टॉप क्वालिटी की गुड़िया है हमारे पास। तेरी गुड़िया और टॉप क्वालिटी की? देखू तो जरा टॉप क्वालिटी की गुड़िया होती कैसी है। दिखा दिखा तेरे टॉप क्वालिटी की गुड़िया। मैडम देखिए, एक से बढ़कर एक गुड़िया है, ये भी देखिए। फुटपाथ के चीजों को बेस्ट क्वालिटी बताकर लोगों को उल्लू बनाना बंद कर। तुम गरीबों को लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे लूटने में जरा सा भी शर्म नहीं आती? बेशरम चोर कहीं के। आप इस तरह हमारा अपमान नहीं कर सकती। हम गरीब दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत कर सकते,
लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकते। चोर थोड़ी ना खुद कहेगा कि मैं चोर हूँ और तू ना रहने दे, ये इमोशनल डायलॉग किसी और के सामने माना, मेरे सामने नहीं। आंटी आंटी खिलौना ले लो ना, आज मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन है तो मैं क्या करूँ, मिठाई बांटू? मैम साहब खिलौना ले लो ना, अगर आप खिलौना नहीं खरीदोगी तो मैं अपने बहन के लिए नए कपड़े नहीं ले पाऊंगा। सारे दुनिया का ठेका सिर्फ मैंने लेकर रखा है, अपनी औकात में रहकर बात कर, ठीक है? आंटी प्लीज खिलौना ले लो ना, प्लीज प्लीज। अजीब जबरदस्ती है, नहीं लेना मतलब नहीं लेना, तुम लोग को समझ में नहीं आता है? प्लीज मैडम ले लो ना खिलौना। अच्छा कितने के तेरे खिलौने? मैडम ये 200 के, ये 300 के और ये 150 के। बाप रे बाप, इस सड़क छाप गुड़ियों के लिए 200-300 रुपए? तू जो रेट बता रहा है इस रेट में मुझे बड़े बड़े मॉल के गुड़िया मिल जाएंगे, तो फिर मैं ये सस्ते गुड़िया क्यों लूँ, मैं तो वहीं से लूंगी। आंटी प्लीज ले लो ना। मुझे नहीं लेना मतलब नहीं लेना, तुम जैसे सड़क छाप लोगों से गुड़िया लेकर मुझे अपना इमेज खराब नहीं करना। अरे बेटे का कॉल। हाँ बेटा क्या हुआ? अच्छा आपको गुड़िया चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं घर आते समय मॉल से लेकर आऊंगी, ठीक है? हाँ अभी रखो, बाय। मैम साहब अब तो गुड़िया ले जाइए। चमट खाना है क्या तुझे? किसका परमिशन लेकर तू यहाँ गुड़िया बेचने बैठा है? हर वक्त चिल्ला चिल्ला कर लोगों को परेशान कर देते हो तुम लोग। आइंदा से तुम लोग मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इकारी कहीं के। भैया आप उदास मत होइए। मैं क्यों उदास होऊंगा, ये तो रोज रोज का है। रोज रोज का? हाँ बहन, अब तुझसे क्या छिपाना, हर रोज कोई ना कोई आकर हमारा अपमान करके चला जाता है, अब तो आदत सी हो गई है। पता नहीं उनका हमसे क्या दुश्मनी है, और भगवान भी पता नहीं हमसे किस जन्म का बदला ले रहे, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम गुड़िया बेचेंगे। चल गुड़िया बेचते, गुड़िया ले लो गुड़िया। भैया भैया उधर देखो। कहाँ? उधर। ये तो किसी का पर्स लगता है, जा तो लेकर आ। किसका पर्स होगा? खोल के देखो ना अंदर क्या है। हाँ अरे इसके अंदर तो इतने सारे पैसे। जरूर भगवान जी ने रखा होगा, शायद वो हमारी मदद करना चाहते हैं। मेरा पर्स, मेरा पर्स। ओ नो, मेरा पर्स तो मैं उस गरीब की दुकान पर ही छोड़ आई। भैया इन पैसों से मेरा जन्मदिन मनाते हैं, मुझे नए कपड़े भी खरीदने हैं। वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन हम इन पैसों से तेरा जन्मदिन नहीं मना सकते, क्योंकि ये हमारे पैसे नहीं है, हम इसे खर्च नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये उन आंटी जी का पैसा है जो हमारे साथ झगड़ रही थी, जरूर गलती से गिर गया होगा, मैं उन्हें अभी लौटा कर आता हूँ। नहीं भैया आप उन्हें पैसे नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, हमारा गुड़िया नहीं खरीदा। जरूरी नहीं है बहन, जो हमारे साथ जैसा करे हम भी उसके साथ वैसा ही करें। भले ही उन्होंने हमारा अपमान किया, लेकिन हम उनके साथ गलत नहीं करेंगे, हम सच्चाई की राह पर चलेंगे। इसलिए बहन तू यहीं बैठकर दुकान संभाल, मैं अभी जाकर उन्हें ये पर्स लौटा कर आता हूँ। ठीक है भैया। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं घर कैसे जाऊं? अब मैं बेटे के लिए गुड़िया कैसे लेके जाऊंगी, मैं क्या करूं? मैम साहब। कौन? मैम साहब ये लीजिए आपका पर्स, आप हमारे दुकान में भूल आई थी, लीजिए ना आपका पर्स और एक बार देख लीजिए आपके सारे पैसे और कार्ड्स है या नहीं। हाँ सारे पैसे और कार्ड्स है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ, मैंने आपका कितना मजाक उड़ाया, कितना अपमान किया, फिर भी आप मेरी मदद करने क्यों आए?
मैम साहब, हम भले ही गरीब है लेकिन हम बहुत ईमानदार है। हम ना तो किसी का पैसा चुराते और ना ही रखते, इसीलिए मैंने आपका पर्स लौटाना ही सही समझा। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं, और गलती तो इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। अच्छा, आप ये पैसे रख लीजिए। मैम साहब, ये आप क्या कर रही हो? मैं आपके पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? नहीं मैम साहब, मैं आपसे बिना किसी कारण के पैसे नहीं ले सकता। नहीं भाई साहब, अब रखिए ना, मैं आपको प्यार से दे रही हूँ, प्लीज भाई साहब रख लीजिए। मैम साहब, मैं किसी से बिना कारण के पैसे नहीं लेता, इसीलिए अगर आप सच में मेरा मदद करना चाहती हो तो मुझसे मेरी गुड़िया खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपकी सारी गुड़िया खरीद लेती हूँ। चलिए मैम साहब। हाँ भैया, आप आ गए। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बदतमीजी की। आज ही तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी। ये लो तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। वाह, कितना अच्छा बैग है भैया, कल से मैं इस बैग को स्कूल लेकर जाऊंगी। जरूर ले जाना बेटा। और भाई साहब, मैं आपकी सारी गुड़िया खरीद रही हूँ। आप सच में सारे गुड़िया खरीदना चाहती हो? हाँ, मैं आपके सारे गुड़िया खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती किया है उसे मैं सुधारना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप मना मत कीजिएगा। ये रख लीजिए पैसे प्लीज। मैम साहब, कितने पैसे है? 5,000 है। मैम साहब, 5,000 तो बहुत ज्यादा हो गए, मेरे सारे खिलौने मिलाकर 2,000 के होंगे, 5,000 में नहीं रख सकता। नहीं नहीं नहीं, अब रख लीजिए ये पैसे, क्योंकि आज आपकी बहन का जन्मदिन है, इसे भी तो नए नए कपड़े पहनने का मन होगा, इसलिए आप इन पैसों से इसे जो चाहिए सब खरीद दो, इसका बर्थडे धूमधाम से कर दो।